क्या ये कल को मुझे ऐसे याद रहेगा रखेगा या रखेगी मैं सैड बिल्कुल नहीं हूँ मे बी आई एम नॉट कंटेंट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और और अभी कमाना है लाइफ मुझे और नाम बनाना है ना लाइफ में कल को मैं कुछ रेस्टोरेंट भी खोलूँ तो वो सबसे ज्यादा चलना चाहिए मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ मेरी तभी की गर्लफ्रेंड <laughs> आपकी बहुत बड़ी फैन थी सो so. क्यों कार कार <laughs> अच्छी <laughs> बात है ना <नहीं>। ये तो ऐसे <laughs> ब्रेकअप थोड़ी इसलिए कर दिया होगा <laughs> मेरे चक्कर में <laughs> <laughs> दोस्तों ये एक बहुत ज्यादा मजेदार एपिसोड है पॉडकास्ट इंटरव्यू से अलग कैसे होते हैं इंटरव्यू में लोग सिर्फ सवाल पूछते हैं पॉडकास्ट में दो इंसान एक दूसरे से बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ जोक्स मारते हैं और एक दूसरे के साथ बकचौदी करते हैं दैट इज वॉट अ पॉडकास्ट इज लोगों को एक्टर्स को लेके बहुत सारी गलत फहमियाँ होती है यार ये ऐसे होंगे ये वैसे होंगे फेम ने इनको इस तरह से बदला है यार पर प्लीज़ अगर आपको एक इंसान की असलियत जाननी है तो उनके पॉडकास्ट सुन लीजिए ऐसा ही एक बढ़िया एपिसोड आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए दिस इज कार्तिक आर्यन ऑन द रणवीर शो हिंदी उनकी नई फिल्म भूल भुलैया टू रिलीज हो रही है बीस मई को जरूर देखना चाहिए पर उसके पहले देखिए ये बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट एपिसोड एंजॉय कार्तिक आर्यन ऑन द रणवीर शो हिंदी कार्तिक आर्यन वेलकम टू द रणवीर शो हिंदी भाई थैंक थैंक यू यू रणवीर क्यों हंस रहे हो बस तुम्हारी एनर्जी से आ जाती है ऐसे तुम भी हंस रहे हो तो चलो <laughs> आपको लगता है है कि हमारी एनर्जी मैच होती है थोड़ी थोड़ी मैच होती है लेकिन मुझे लगता है तुम ज्यादा काम हो और uh, मैं इतना रिलैक्स्ड नहीं रह पाता हूँ जितना uh, जितना तुम देखते हो मुझे सो आई फील आई फील आई नीड दैट कामिंग एनर्जी फ्रॉम यू and uh, it's it's very very cool to be मतलब यहाँ पे आके मुझे बहुत रिलैक्सेशन हो रहा है hmm. आ, तुम्हारे स्टूडियो में और जिस तरीके की वाइब है यहाँ पे uh, मैं पहले भी बस एंट्री करा था तभी तुम्हें बोला था कि यार यहाँ पे आके बहुत रिलैक्स्ड सा फील हो रहा है सो सो दैट्स व्हाट मैं वही गेज कर पा रहा हूँ यहाँ नहीं 100% अभी आपको पता चल रहा है कि why i requested you to come to the studio हंड्रेड मैं लास्ट टाइम बस वही पूछा था क्या आ, क्या हुआ ये हम जब हम लोग होटल में हम लोग ये इंटरव्यू करने वाले थे एंड दैट डे यू टोल्ड आज यहाँ नहीं मेरे स्टूडियो में आप कीजिए और यहाँ पे आके हम इंटरव्यू करते तो आई वाज जस्ट मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या डिफरेंस होगा mm. दोनों चीजों में बट uh, एक्चुअली थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया उस टाइम लगा था बट इतना नहीं पता था कि दे, देर इज अ डिफरेंस जितना कि जब जब बिकॉज आई सीन योर पॉडकास्ट सो आई नो कि हाउ uh, uh, मतलब वाइब कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए मैं को बहुत ब्रदरली चीज कहनी है आपको बोलो ना बोलो आपकी वाइफ बहुत क्यूट है <laughs> 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 बहुत क्यूट <laughs> इंसान हो फील कि बहुत प्योर इंसान हो ये you. ये वाली फील आती है और और जो आपने कहा कि मैं बहुत ज्यादा काम हूँ आई डोंट नो whether it's because or you're tired या क्या बट mm. आपसे भी वो काम वाइफ फील हो रही है मैं एक्चुअली काम हो गया हूँ अभी थोड़ा अभी. सा लाइफ में पहले मैं थोड़ा सा जिटरी हुआ करता था थोड़ा बहुत फिजिटी होता था बहुत चीजों में ओवरथिंकर अभी भी थोड़ा हूँ लेकिन पहले बहुत ज्यादा था किन चीजों के बारे में ओवरथिंक करता हूं अभी अभी कि मैं क्या आई uh, थिंक काम के बारे में ये सबसे ज्यादा काम के बारे में सबसे ज्यादा ये है कि मैं uh, अच्छा ये अभी ये जो गाना आ गया परफेक्ट था कि नहीं था इसमें एक भी चीज़ अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई किसी को कुछ ऐसा स्टेप तो गड़बड़ नहीं लगा अच्छा गाना लोगों को साउंड मैं स्पेसिफिकली उसकी बात कर रहा करूँ क्योंकि अभी अभी भी आया तो इट इट गोज विथ एवरी थिंग एल्स ऑल्सो ट्रेलर आया तो ट्रेलर अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा मेरा काम सही लग रहा है कि नहीं टिपिकल चीजें हैं बट हाँ वही वही चीजों में बहुत ज्यादा भी सोचने लगता हूँ कई बार एक्सटेंड um, कि मतलब रात भर भी मतलब मेरे को सपने के टाइम पे भी शायद मैं अपना ट्रेलर ही बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा सोचता हूँ और बट बट शायद मैं वर्कोहलिक हूं काफी uh, तो वो चीज बट एक्सट्रीमली वर्कोहलिक मतलब वो एकदम वैसे केस में आपको खुशी मिलती है बहुत ज्यादा मुझे कुछ और ऐसा लगता नहीं मेरा ध्यान कहीं और जा सकता है जैसे लोग बोलते हैं ना कि अनवाइंड होने के लिए ट्रेवल करते hmm. हैं या ये यहाँ बाहर जाते हैं छुट्टी लेते हैं मैं काम करता हूँ तो मेरे अनवाइंडिंग प्रोसेस होता है आई फील अदरवाइज आई फील वेरी नॉट सो और जब... जो गर्ल अटेंशन आपको मिलती है <laughs> उस पे आपकी क्या राय है लगा है बताइए बताइए मेरी कोई राय नहीं है मैं खुश हूँ <laughs> okay. <laughs> हाँ मतलब uh, <laughs> इसीलिए शायद ज्यादा रिलैक्स रहता हूँ uh? लाइफ में uh, <laughs> क्या बोलू इस चीज में आई फील अरे जब जब हम रिसर्च कर रहे थे इस पॉडकास्ट के लिए तो मैंने पीआर सर्कल्स में पूछा कि मैं इनको क्या पूछूं तो लोगों ने मेरे को बोला कि यार आस्क एवर यू बात कर लो चिल इंसान है बट नो दिस कि uh, देश भर की लड़कियां कार्तिक आर्यन के घर के बाहर आ जाती है uh, और ये किसी और एक्टर के साथ आज के जमाने में नहीं होता तो कार्तिक आर्यन <laughs> की आंखों में कुछ ऐसा जादू है वो जादू क्या है कार्तिक आर्यन uh, कार्तिक आर्यन की आंखों में रोमांस है ओके आई थिंक शायद से, या फिर मैं बहुत आई डोंट नो मैं इसको कुछ डीकोड करना नहीं चाहता और ना मैं इसको कुछ चेंज करना चाहता हूँ आई लव दिस काइंड ऑफ एड्यूलेशन या फिर या फिर अटेंशन जो मिलता है एंड एंड आई एम एंजॉइंग इट आई एम नॉट लाइक मैं इस, इसको झूठ नहीं बोलना चाहूँगा कि यार नहीं यार मुझे नहीं पसंद है, hmm. ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ऐसा नहीं है मेरे को अच्छा लगता है अटेंशन मुझे <laughs> <laughs> मुझे <laughs> so, मुझे पसंद है एंड एंड आई

अभी मैं अपनी तारीफों में क्या कि क्यों मुझे अटेंशन <laughs> मिलता है इसको सही तरीके से हम्बल वे में कैसे वो सोच रहा हूं। आम, खुल के बताइए खुल, खुल के, के बताओ <laughs> स्मार्ट हो सेक्सी हो इंटेलिजेंट हो छह फुट का लड़का हो लौटा हो क्या बोलूं मतलब आई थिंक आई थिंक रिलेटेबिलिटी मेरी okay. जो रिलेटिबिलिटी है uh, uh, मैं उसे जाने भी नहीं देना चाहता हूँ और बहुत लोग उससे अटैच नॉट जस्ट गर्ल्स आई थिंक गाइस इवन गाइस दे वो अटैच कर पाते अपने आप को रिलेट कर पाते हैं मेरे साथ शायद मेरी की की मे बी आई हैव मेड इट एंड देव देव सीन जितना भी मैंने अभी तक यहाँ पे uh, कमाया है दे कैन रिलेट एंड दे कैन एक्चुअली थिंक कि यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अगर अपने आप को ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ mm. तो आई थिंक वो वाली जब फीलिंग शायद से आती है काफ़ी लोग रिलेट कर पाते हैं उससे एंड एंड इट्स इट्स वेरी पॉजिटिव टू फील सो एंड एंड दैट्स वाई आई थिंक दे इज दैट पॉजिटिविटी अमंग्स द फैन्स जब भी वो मुझे मिलते हैं या फिर वो मिलने की उनकी एक इच्छा होती है मुझसे uh, uh, और और मैं हमेशा से क्योंकि मैं खुद उनके बीच से आया हूं। मैं खुद फैन रह चुका हूँ दूसरी साइड से मैंने देखा है कि कैसा एक बार भी किसी एक्टर ने देख लिया मेरी तरफ तो मुझे ऐसा लगता है अरे मुझे देख लिया यू mm. नो so, you know, वो फीलिंग जो आती है तो आई कैन अंडरस्टैंड जब उनके आँखों में वो होता है तो आई ट्राई कि जितना मैं उनसे मिलूँ जितना चाहे मेरे घर के बाहर आके भी वो चिल्ला रहे तो मैं नीचे आके मिल लेता हूँ सो स्टफ लाइक दैट वो मैं छोड़ता नहीं हूँ जितना मैं

आप एक बहुत बढ़िया डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो या सच में आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है <laughs> <laughs> आप आ, आप स्ट्रेस होते मैं, हो कभी लाइफ में आम, मैं जैसा, मैं स्ट्रेस आई I मीन mean, होता हूँ कभी ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रेस नहीं होता हूँ फेलियर आ, के बारे में सोचता हूँ सोचता हूँ काफी सोचता हूँ इसीलिए शायद से ओवर तो भी हूँ और स्ट्रेस uh, आउट होता भी हूं कि क्योंकि मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है एंड hmm. uh, वो कभी भी नहीं रहा है uh, तो आई थिंक आई डोंट हैव आई डोंट थिंक सो कि मुझे उतनी चांसेस मिलेंगे भी लाइफ में कि मैं मैं फॉल बैक कर पाऊँ कि uh, कि अच्छा uh, uh, एक एक मैं लेकर चलता हूँ दिमाग में कि यार अभी अच्छा ये वाली चल गई फिल्म अब अगली वाली को कैसे तो वो एग्जाम ना हर फ्राइडे चलता रहता है That's the beauty of it also. There's an excitement towards it. You never know what's going to work what's not going to work अ वर्क बट एक गट फीलिंग होती है कई फिल्मों के साथ तो स्ट्रेस्ड आउट हमेशा वो वाला पीरियड एक रहता है कि uh, अच्छा ट्रेलर चल रहा है फिल्म का कि नहीं अच्छा फिल्म चलने वाली है कि नंबर करने वाली है कि नहीं बार बार कुछ ना कुछ सवाल आते रहते हैं एक्सेप्टेंस uh, मिलेगी कि नहीं नया रोल कर रहा हूँ इस इसमें एक्सेप्टेंस मिलेगी कि नहीं Hmm, अच्छा ऑन स्क्रीन में ऐसा हूँ ऑफ स्क्रीन में जैसा हूँ वो अच्छा लगता है ना सच में या नहीं।, नहीं लगता है सच में Uh, क्योंकि कुछ और आता नहीं है तो तो वो सारी चीजें ना कई बार ऐसा लगता है जैसे शुरू में अगर मैं बात करूं अः जब प्यार का पंचनामा जब हुई थी वो uh, शायद आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ के बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए हैं पब्लिक आई में आए हाँ पब्लिक आई में मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सच बोलो तो वो सोनू के टीटू की स्वीटी था आ, प्यार का पंचनामा मेरा स्टेपिंग स्टोन था आ, फर्स्ट फिल्म थी एंड जिसको पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल था उसके बाद वाली फिल्में सबसिक्वेंटली आ, मेरे पास आना फर्स्ट फिल्म के बाद इट बिकेम अ स्लीपर हिट बट किसी को मेरा नाम तक नहीं पता था दे ऑलवेज थॉट वो लंबे वो वो <laughs> वो वो, वो yeah. uh, ऑडिशंस पे जाता था uh, पंचनामा, वन थोड़े, उसके बाद पंचनामा टू भी आई थी बट इट नेवर गिव मी मेड मी अ होल्ड नेम आई आई रिमेम्बर कि मैं पंचनामा टू का मेरा फ्राइडे लगा था और उसके दो हफ्ते बाद में ऑडिशन के लिए अगेन लाइन में खड़ा हुआ था दूसरी फिल्मों के एंड लाइक अ फुल्ली लाइक एक लाइन में प्रॉपर एंड एंड दे डेंट नो माय नेम देन आल्सो तो तब तक मुझे पाँच छः पाँच एक साल हो गए थे इंडस्ट्री में तो इट वाज वेरी टफ कि ऐसे सोचना कि यार अभी भी लोगों को मेरा नाम नहीं पता यार अभी भी मुझे एंड आई वॉज ऑल्सो फाइंडिंग माई वे एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि कैसे क्या करूँ देन सोनू नो सोनू के टीटू की स्वीटी एंड दैट आई थिंक वॉज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ जिसने मुझे उतना मतलब हाउस होल्ड नेम बनाया बीट विथ द द कैरेक्टर और द संगस और एवरी थिंग अबाउट इट इट वर्कडउट एंडली अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरे लिए काफ़ी उसने कुछ उस फिल्म ने किया आपने अभी कहा कि यू टू वर्क हार्ड टू गैट इवन दैट रोल तो वो क्या था मतलब लाइक व्हाट डू यू मीन वर्क हार्ड द फर्स्ट फिल्म आई थिंक सो बिकॉज मैं मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ और वहाँ से ये कहानी सबको पता भी है ऑलमोस्ट सब जानते भी है कि मैं कैसे वहाँ से मम्मी पापा को नहीं बोल पाता था कि एक्टर बनना है बचपन से एंड तो मैंने कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स दिए जो मुंबई के आसपास थे उसमें से नवी मुंबई का कॉलेज डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज तो वहां पे मेरा एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ और तो मैंने वहाँ यहाँ से ग्वालियर से शिफ्ट होने का बहाना मिला मुझे hmm. और मैं नवी मुंबई में शिफ्ट हुआ देन वहां से मैं मुंबई आता था बेलापुर में मैं रहता था बेलापुर खारगर अलग अलग, अलग जगहों पे शिफ्ट होता हाँ, 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 बेवी। हाँ, 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 <laughs> हाँ, फुल फुल वेस्टर्न हाँ, <laughs> हाँ, तो सब सब वो चेंज होती थी लोकल ट्रेन तो वहां से मैं जाता था एंड ऑडिशंस देने के लिए और मैं डायरेक्ट पहुंच जाता था मुझे नहीं पता था वहां पे कुछ कैफे कैफेज में ऑडिशन के कभी पता लग गया फेसबुक पे ढूंढता था मैं एक्चुअली की ऑडिशंस एक्टर्स रिक्वायर्ड ऐसे कुछ टाइप कर देता था आपका मेंटल जोन तभी क्या था मतलब आप पॉजिटिव सोचते थे तभी या ऐसे ही ट्राई कर रहे थे um, मुझे ऐसा लगता था कि मैं, मैं कुछ तो बन जाऊंगा मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती थी या वो आई डोंट नो वो क्या था जिसकी वजह से मेरे को मुझे लिटरली मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था इस बात पे uh, कि कुछ ना कुछ होगा कुछ ना कुछ होगा अब मेंटल जोन क्या है सक्सेस हासिल करने के बाद अब अब मेंटल जोन आई आई थिंक मैं और ज़्यादा अब अब क्या है कि अब स्टेबिलिटी इसी चीज़ को मेंटेन करने वाला एक स्ट्रगल चलता है कि नाउ नाउ दैट्स द स्ट्रगल फाइट फॉर रेलेवेंस ये मीडिया इंडस्ट्री का एक सच है पूरे टाइम है और वो हमेशा चलता रहेगा एंड इट्स ऑलवेज You'll have aim, ना? कि मुझे पहले एम था कि मेरे को फर्स्ट फिल्म में एक लॉन्च हो जाए बॉलीवुड में आ जाऊँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आ जाऊँ तो वो मेरा एम था तब देन उसके बाद सेकेंड फिल्म मिल जाए थर्ड फिल्म मिल जाए। तो वो एम था उसके बाद था कि नाम पता लग जाए वो हिट ऐसी मिल जाए जो जिससे लोगों को ऐसा लगे कि यार मैं भी हूँ यहाँ पे आ, मेरे शोल्डर्स पे फिल्म बन सकती है सोनू टी टू है अच्छा वैलिडेशन हो कि ऐसा नहीं कि एक ही फिल्म हिट दी है उसके बाद भी लगे कि यार नहीं इस बंदे में दम है ये कर सकता है तो वो, वो लुका छुपी पति पत्नी तो वो, ऐसे सब्सिक्वेंटली एंड देन नाउ इट फील्स लाइक कि यार अच्छा आ, तो हर बार क्या होता है कि एक गोल उसके आगे एक उसके तो वो वो हर हर बार एक इट्स ऑल रिलेटिव इट्स ये हमेशा वो कौन वो एक फिनिश लाइन नहीं है यहाँ कोई आप सिंगल हो अभी मैं सिंगल सिंगल हूँ हाँ, मजा single. आ रहा है सिंगल लाइफ में हैप्पी एकदम एकदम बहुत मजा आ रहा है आई एम हैप्पी पूरा फोकस अब करियर में डाल रहा हूँ पूरी इसीलिए बोल रहा हूँ ओके मैं करियर के बारे में बात करियर ओके <laughs> okay, चलो हाँ। फिर से डार्क बना देते हैं हाँ आप अपनी डेथ के बारे में सोच तो अरे इतना डार्क <laughs> मतलब इतना चला गया

प्लस प्लस पर्सनल रीजंस में भी मतलब मैं वो भी चाहता हूँ कि मेरी फैमिली भी मुझे वैसे याद रखे कि, कि अभी इट्स वेयर टू से ऑल दिस कि अच्छा बेटा हूँ अच्छा हुँ? तो वैसी चीजें याद रहे एंड या सो आई मीन दैट्स अबाउट इट मैंने डेथ के बारे में क्यों पूछा आपको क्यों लगता नॉट जस्ट मेक इट डार्क

मैं सोचता हूँ कि क्या ये कभी चला जाएगा तो मैं कैसा फील करूंगा हाउ हाउ शुड आई डिटैच माई सेल्फ कई बार ये आता भी है बट आई रियली देन फिर लगता है यार अभी तो इन्जॉय करता हूँ hmm? अभी मजा आ रहा है अभी अच्छा लग रहा है देन uh, ये डार्क चीजें सोचना <laughs> मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि बट वो थाट बहुत बार आता है okay. और uh, कई बार ऐसा uh, मतलब वियर्ड तरीकों से आता है कई बार कि अगर कोई फ़ैन मेरे साथ फ़ोटो खिंचा रहा होता है तब उस टाइम आ रहा होता है कि क्या ये कल को मुझे ऐसे याद रहेगा mm. रखेगा या रखेगी सो यू नो इट फील्स लाइक कि इट फील्स वियर्ड टू थिंक लाइक दैट एंड 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 यू थिंक ऑफ थिंग्स कि नहीं मैं और ज्यादा सालों तक काम करूंगा मैं उस टाइम भी शायद से जब मैं 80 साल का भी होऊंगा तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं तब तक टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ जाएगी <laughs> 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 तो पता नहीं कुछ-कुछ आता है दिमाग में मेटावर्स का르तकारन चला दूंगा जाने ही <नहीं> दूंगा <laughs> <laughs> तो नहीं अब ब्लैक मिरर देखो बहुत okay. मेरा माय फेवरेट शो क्योंकि आप भी, भी इंसान हो थोड़े से भी थोड़े से. भी बोला इंजीनियर <laughs> <laughs> हो लाइन वाला <laughs> stop, stop. अभी भी भी है अभी हम इंसान पर आ, I understand, अगर आपको ब्लैक मिरर अच्छा लगता है बहुत. मुझे एक्चुअली उसके थ्रिल्स बहुत पसंद है और मुझे काफी कुछ ऐसे हद तक लगता है कि यार जो वो दिखाते हैं वो कई चीजें हो भी रही हैं और ऐसा लगता है फ्यूचर में होने भी वाली है ये इट शायद तब मतलब पचास साल बाद साठ साल बाद रात तकनीक बढ़ जाए इतनी कि <laughs> <laughs> मैं रिकॉर्ड अपनी आंखों में कर सब रिवाइंड कर <laughs> या आपके दिमाग में कार्तिकारायन के दिमाग में कोई चिप डाल देगा बस और वो याद रहेगा पूरे टाइम और फिर यू कैन मेक कार्तिकारू डू एवर यू वांट इन योर मेटावर्स

वाइज एंड आई फील कि वहाँ जब हम बैल्कनी में बात कर रहे थे एक दूसरे से मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता चला <laughs> uh, क्या बहुत एनर्जी और वाइब्स के बारे में बात करते हो हाँ, ऐसा सुना है कि uh, शाहरुख खान भी ऐसे बात करते हैं एंड मेक्स इज डिसीजन बेस्ड ऑन इंटोशन तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग ये ये बहुत मतलब ये गेस वर्क है आई मीन आई मीन आई एम आई एम हैप्पी कैसा लगा आपको uh who would not be happy by this it, it's like a compliment for me and मुझे ऐसा लगता है कि uh, मेरे साथ भी काफी कुछ ये ये चीजें हैं कि मैं uh, intuitions और gut feeling में बहुत बिलीव करता हूं uh and be it for as मतलब सिंपल uh, से सिंपल चीज होती है कि instagram caption तक पे ऐसा सो, <laughs> ये अच्छा है <laughs> मतलब इतनी से या फिर कौन सी फिल्म कर रहा हूं तक <laughs> वो इंट्यूशन और गट फीलिंग है तो वो वैसी ही चीज़ होती है बट बट आई थिंक आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आई एम अ पीपल्स मैन एंड एंड आई लव दैट आई आई अराउंड बींग माई फैमिली माई फ्रेंड्स माई माई टीम माई सो एवरी वन मैं उनके साथ सबके साथ ऐसे ही बात कर रहा होता हूँ सभी के साथ ऐसे ही रहता हूँ एंड आई थिंक आई आई वॉन्ट टू लीड माई लाइफ लाइक इन फ्यूचर ऑल्सो और पास में भी था तो डेथ के बाद नहीं, <laughs> <laughs> <मैं> नहीं, नहीं। <laughs> मैं आपको प्यारा सा <laughs> <पूछ रहा। laughs> <laughs> <प्यारा सवार। laughs> फिलहाल नहीं सोचता अब, आपकी फैमिली आपको कहती है शादी करने लिटरली नहीं कहती okay. आ, मेरी फैमिली तो और बोलती है कुछ साल अभी रुको अभी, अभी <laughs> बाद में करेंगे तो आ, आ, और मतलब आई डोंट नो क्यों कहते हैं लेकिन ऐसे कहते हैं है, इतना, इतना उसमें देता नहीं हूँ मैरिज इन सब चीजों में आई थिंक मे बी आई एम एम राइट नाउ नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड शायद इट्स इट्स ऑल अबाउट स्टेट ऑफ माइंड कभी ऐसा लगेगा अचानक से कि अच्छा हाँ शादी करनी है, शादी करनी तो तो वो अलग एक थॉट आ जाता है बच्चे चाहिए आपको हाँ बच्चे चाहिए तो? <laughs> शादी करके या शादी के बिना जनरल क्वेश्चन है जैसा आंसर देना दे दो तो? <laughs> बच्चे पसंद है मुझे ओके okay. लेकिन मेरे बच्चे अभी तक नहीं सोचे मैंने वो तो थोड़ा तो फार फेज है आई होप बट बट ऐसा नहीं लगता एक बच्चा देखता हूँ हाय मेरा भी बच्चा <laughs> ऐसा नहीं लगता मुझे लगने लगा लगने लगा मुझे चाहिए वो <laughs> <laughs> ये वाली फीलिंग आती है <laughs> सीरियसली बट <laughs> वो होता है वो स्टेट ऑफ माइंड है हाँ, वो शायर? कभी भी वो आ भी सकता है और कभी चला भी जा सकता है uh, बच्चों की वजह से मेरे व्यूज भी बढ़ जाएंगे यू नो लाइक शायद बढ़ जाएंगे मेरी कटोरी <laughs> के चलते मेरे व्यूज बढ़ते रहते हैं <laughs> मैं <laughs> लेकिन uh, आप आप ये सब इंस्टाग्राम लाइक्स फॉलोअर्स के बारे में सोचते हो हाँ बहुत सोचते हो सोचते हो इतना इसके बारे में नहीं सोचता ये सोचता हूँ कि एक्टिवली जो मेरा कॉन्टेंट आता है उसमें वो सही रहे वो सही रहे। लाइक्स hmm. और व्यूज से ज्यादा मुझे लगता है जो मुझे अच्छा लग रहा है वो चीज़ वहां पे रहे, uh, irrespective. तो uh, तो आप बहुत बढ़िया सोशल मीडिया गेम खेल दो अलग गेम होती है YouTube चैनल भी स्टार्ट किया है yeah, yeah, uh, मैं yeah. आपको <laughs> मराक अच्छी मराक बात है ना यार <laughs> ये तो शी, शी, शी ऐसे ब्रेकअप थोड़ी ना इसलिए कर दिया होगा <laughs> मेरे चक्कर में <laughs> मुझे बोल रहा है यू आर द फर्स्ट गाय हु शी केम टू मी एंड सेड दैट ही इज वेरी क्यूट

क्यों येगी वुडन सर ने दो साल में एक बार बोला किसी एक्टर को कि ये क्यूट है शी चीटेड ऑन मी ब्रो अरे यार <laughs> अभी ऐसा नहीं यार ऐसे And ऐसे सच में ऐसे लड़के के साथ कोई कैसे चीट कर सकता है टॉप इट स्ट्रांग लाइक नहीं पर आई आई थॉट द सेम और uh, दो तीन साल लगे हैं रिकवरी uh, के लिए आई फील आई एम हील्ड नाउ

और आपके साथ जो लोग हैं उनको भी आ, आपके साथ में एक आ, इस दुनिया को बदलना है। इंडिया को पहले बदलना फिर दुनिया को बदलना एंड कीपिंग दैट इन माइंड आपको लाइफ में बहुत अर्ली रिजेक्शन का सामना करना था और वो रिजेक्शन इस इंसान के थ्रू आपकी लाइफ में आ गई सो लवली नाइस यार बट आई होप यू नेवर गेट चीटेड अगेन एंड आई रियली होप दैट यू फाइंड और यू हैव ऑलरेडी फाउंड समवन जो अभी अभी पर बैलेंस करने के लिए प्लीज so तो, तो, मुझे गाली दो अभी करने के लिए आई क्योंकि क्या है मैं तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने बेचारी आप एज एन एक्टर आपका जॉब रहता है ऑब्जर्वेशन uh,

वातावरण में <laughs> आज के एनवायरमेंट <environment> में जब इट्स बिकॉज ऑफ यू वातावरण निकल रहा है कि आज के टाइम पे जब <laughs> यहाँ मतलब हर कोई इतना फास्ट पेस लाइफ और ये सब कर रहा है एंड यू फील लाइक ऐसा लगता है कि मैं योगा की बातें करूँ मेडिटेशन की बातें करूँ तुम्हारे साथ और आ,

मेरा फेवरेट मेरे उस टाइम बहुत सारे थे थे वो चेंज होते थे हर हफ्त, दो हफ्ते में कि कौन वहाँ पे मर जाता था कौन जिंदा हो जाता था मेरे को स्टीव ऑस्टिन बहुत पसंद था एक टाइम पे किड हाँ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन <laughs> तो वो बहुत पसंद था और वो भी तुम्हारे कैंस को करता रहता था अच्छी बट बट उनकी स्टोरी लाइन ना हमेशा चेंज होती रहती तो हम समझ ही नहीं पाते थे hmm. हर तीन हफ्ते में हीरो बदल जाता था विलन उल्टा हो जाता था ट्विस्ट एंड टर्न चलते hmm. रहते थे तो इसलिए मेरा बदलता रहता था बट मुझे सबसे ज्यादा मेरे को अंडरटेकर भी बहुत पसंद hmm. था अंडरटेकर की स्मैक मतलब पावर जो थी तो वो बहुत पसंद है सेबल की स्मैक याद आपको अरे यार क्या बातें कर रहे यारेबल <laughs> याद आ गए आपकी फेवरेट डीवा कौन थी लीटा 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 मैटाड़ी की गर्लफ्रेंड मैटाड़ी फिर केन की गर्लफ्रेंड और फिर एज की गर्लफ्रेंड बन गई वो <laughs> सब याद है आपको लीता जी अलग ही अलग ही थी, <laughs> थी। सबको पसंद थी सेम तो सेम वैसा था क्यों पसंद थी लीता आपको उनके बालों का रंग बहुत अच्छा ओके ओके अच्छे तरीके से <laughs>

यार मुझे <laughs> ऐसा लगता नहीं है मैंने कुछ गेम के डब्ल्यूडब्ल्यू देख के बट मैं आर्केड मतलब मैं प्लेस्टेशन खेलने लगता था वीडियो hmm. गेम्स का बहुत शौक लग गया था मुझे उसमें एक, एक गेम आता था स्मैकडाउन वर्सेस रॉ मैं बहुत अच्छा खेलता आज भी बहुत अच्छा खेलता हूँ मेरे पे शर्तें लगती थी कि ये कितने में हराएगा <laughs> तो उसको सेलेक्ट करता था बट ओ बटिस्टा और आ, मैं <laughs> ब्रॉक लेसनर हुआ करता था एफ फाइव देता था वो तो आपको पता है ब्रॉक लेसनर अभी भी डब्ल्यू में अभी भी है मैंने देखा मैंने कि ये बाप रे ये अभी भी खेल रहा है एंड still the सेम यार और वो उसका मैनेजर चेंज हो गया वो कहीं और चला गया all <laughs> him बहुत irritating था वो

Uh, मैं, uh, मैं, मैं मैं उनको स्टॉक करता हूँ हाँ कार्डेकार्डें क्यों मैं मैं बहुत मैं अपडेटेड रहना पसंद करता हूँ ओके okay. तो मैं काफी ये सब चीजें जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि मैंने तुम्हारा वो आ, और हाउस हंटिंग वाला वीडियो भी देखा था ऐसे वीडियोस क्यों देख रहा हूं क्योंकि मैं खुद घर हाउस हंटिंग कर रहा okay, okay, था okay, तो मैंने ऐसी पता नहीं क्यों मैंने हाउस हंटिंग टाइप कर दिया YouTube पे एंड तुम्हारा वीडियो आ गया पापा हो गया और मैं वो देखता रह गया कि अच्छा उसमें तुम बोल भी रहे थे कि वो पहला वाला अच्छा है जहां पे अभी हम बैठे हुए हैं वो यही घर हाँ। है सो so,

Which is good. Which is good. Like mm -hmm. I, I don't. I mean, I have liquid money, but it's not. It's not something like I, I use really. Because there's, there's never enough. Uh, I, I've, I've understood one thing. That in this, uh, if you take it like a business, like uh, in terms of, I think I, I can be wrong also. No, no. But YouTube me, मुझे ऐसा लगता आपको हर बार लगता है कि और ज्यादा कर सकते हो इसमें चाहे और वो स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट में बात आती है कि क्या तो मैं अपने स्टूडियो अच्छा वैसा था अभी ऐसा है और अब ऐसा है और बेटर लग कर लूँ और तो वो हमेशा यू ऑलवेज फील द नीड टू आई थिंक डू मोर इन्वेस्ट मोर आपकी लाइफ में जैसे हिट्स और फ्लॉप्स का गेम होता हमारी लाइफ में व्यू काउंट सब्सक्राइब अकाउंट करेक्ट करेक्ट एंड डेफिनेटली

एंड यू हैव टू बी बिकॉज वेन यू केटर टू द काइंड ऑफ ऑडियंस जो उनको सब अभी के बारे में पता है mm. कि अभी क्या चल रहा है कौन सी बात कौन सी लैंग्वेज अभी चल रही है किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं और कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है यू गाइज ट्राई टू गेट इन टू इट एंड वो आप लेकर आते हो अपने शोज में अपनी बातों में विच इज़ ग्रेट विच इज़ विच टेक्स अ टोल विच टेक्स अ लॉर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एन आई गेसर आप बहुत कुछ जानते हो बहुत कुछ जानते हो। कैसे इत, <laughs> इत, इत, इतनी ज्यादा इनसाइट कैसे मैं अपनी तारीफ जब कर रहा था तो मैं झूठी तारीफ़ नहीं नहीं, कर रहा <laughs> 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 सच में बहुत ये मतलब दैट्स एन एनालिटिकल थिंग। आई एम नॉट झूठरी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ऐसे ही कह रहे हो नो रॉकेट साइंस इट्स कॉमन सेंस एक्चुअली नो फैप आप जानते हो क्या होता है <laughs> <laughs> <अभी>, बता बता <laughs> नहीं लोगों को पता लोग जानना चाहते हैं कि अगर आपको पता है या नहीं मुझे एक्चुअली नहीं पता नहीं पता मुझे ये नहीं पता आप स्माइल क्यों कर रहे हो फिर बिल्कुल लग रहा है कि कुछ होगा तरंगी कुछ क्या हो अलग हो सकता है नो फैप नो फैप हाँ नो फैप ये हंस रहा है ये भी इतना क्या हो सकता है होगा कुछ ऐसी होगा आपने तो, ट्राई किया कभी नो फैप होता क्या <laughs> <laughs> बहुत पावर होता है नो फैप में पर आपको उस पावर के बारे में तब पता चलता है जब खुद एक्सपीरियंस करते हो तब आज आज करता हूँ ओके 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 मस्ती कर रहा हूँ अब धोनी के साथ भी खेलो फुटबॉल खेलो हाँ। वो किस पोजीशन में खेलते हैं अटैकिंग मिड मिड आई गेस हाँ वो कैसे खेलते हैं मतलब क्योंकि आई एम आस्किंग यू क्योंकि I feel कि वो इस रिली फास्ट है। जब आप एक दूसरे इंसान के साथ कोई भी स्पोर्ट खेलते हो ना, एस्पेशिली फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, आपको उस इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। Like I, even character wise। so, I I've played once with धोनी uh, uh, and and Virat as well एक साथ uh, I think एक ही टीम में थे वो। वो विंग पे खेलते हैं ना विर धोनी आई थिंक वो बहुत कूल है वो अगेन काम अगेन बट वो क्या दे दे जस्ट सो गुड ऐसा मतलब हमें ये नहीं लगता है फुटबॉल खेल रहे हैं एंड जब आप खेलते हो तो पता अरे क्या फुर्ती है बॉडी में एंड विच इज ग्रेट ओके आपके लाइफ का सबसे वर्स्ट दिन क्या था कौन सा था सबसे वर्स्ट

i don't know how to express it only. no it's yeah that's fine, yeah. It's fine. Uh, um do you do you think that when you see success the way you have seen right now uh, does it change your experience of life when you're going through any kind of difficulty like that what role does success play in your head so that time i was wasn't this uh, at this stage uh, in my life and career also but um uh, uh, thankfully where I am right now, I can actually um, I mean I, I don't know how to put it, but my to I'm uh, touch what I am in this situation now in life or or I'm just uh, I'm just thankful to God that uh, with my family also I'm I'm just thankful in a way you become a lot more when when things happen all of a sudden. जो आपको पता नहीं होता है कि ये सडनली क्या हिट किया आपको आई थिंक दे मेक यू स्ट्रोंगर ऑल्सो आप कभी रोड पे वॉक के ले जाते हो और रोज ही चला जाता हूँ मैं ऑलमोस्ट हाँ हाँ मतलब रात को अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ मैं दिन में मोस्टली अभी काम ही कर रहा हूँ तो नहीं बट आप कभी ऐसे निकले हो पब्लिक में दिन में कभी तो मैं जान मुझ के भी निकल जाता हूँ कि देख लो मुझे लेकिन <laughs> 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 लेकिन यहाँ पे मैं निकलता हूँ uh, वॉक करने निकल जाता हूँ um, कई बार हाँ फिल्म देखने के टाइम पे वो होता है थोड़ा सा जाए कि हाँ उस टाइम पे कुछ प्रिवेसी चाहिए जिस टाइम मतलब माई फैमिली के माई माई पीपल अराउंड मी समटाइम्स दे स्टार्ट थिंकिंग ये फोटो के लिए तो मना करेगा नहीं तो हम अभी पूरे टाइम बैठे ही रह जाएंगे ना बात कर पाएंगे ना तो वो तो मेरी वो आदत नहीं है कि फोटो के लिए मना करना या किसी को आ, मुझे हमेशा क्योंकि मैं मैं खुद ऐसे फोटोज लेता था और ये सब तो मैं, मुझे उसकी वैल्यू कई बार समझ आती है तो आई आई फील दैट इज समथिंग Uh, तो मेरे आसपास के लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं तो तो परफेक्ट का। <laughs> <laughs> <मैं। laughs> <laughs> फिर से वही बॉलीवुड की दुनिया कैसी है मतलब एक बार जब आप अंदर घुस जाते हो आपको क्या क्या सीखने को मिलता है लोग कैसे है वो दुनिया कैसे वहां के डायनामिक्स कैसे होता है वो बात सच है जब वो बोलते हैं ना कि सबको सिर्फ ग्लैमर दिखता है और वो आ, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लैमर नहीं सब सब बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी हैं सब बहुत ज़्यादा आई आई नेवर थाट कि जब मैंने पहली बार सोचा होगा लाइफ में कि मुझे एक्टर बनना है तो तब मैंने सोचा था मुझे हीरो बनना है तो मैंने एक्टर नहीं सोचा mm. था यू you नो know, वो ग्लैमर mm. वो उस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया था धीरे धीरे मुझे पता चला कि यार ये आर्ट एक आर्ट है एंड 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 आई थिंक इसके डायनामिक्स बहुत है um, जैसे जैसे मैं इं, इंटर किया हूँ बॉलीवुड में वैसे वैसे मुझे um, मुझे uh, 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 काफी ऐसा लग रहा है कि uh, मतलब वो मेहनत ऑल द मोर टू हंड्रेड परसेंट थ्री हंड्रेड परसेंट करते रहना है वो एक hmm. जैसे मैंने पहले बोला कि दर इज नो फिनिश फिनिशिंग लाइन आपकी मोटिवेशन no, um, यार आई आई हैव नो आइडिया मेरी मोटिवेशन आई थिंक आई एव सीन माई मोम स्ट्रगल इन लाइफ मोम एंड डेट बोथ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से वो एक मेरे लिए इंस्पायरिंग जर्नी हमेशा रही है क्योंकि देफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर फॉर मी एंड माई सिस्टर कि हम दोनों सही से पढ़ाई कर पाए एंड स्टफ लाइक दैट तो um, तो आई कम फ्राम अ मिडिल क्लास फैमिली टेक्निकली एंड एंड फॉर देम ऑल्सो कि क्या होता है कि है डॉक्टर्स लेकिन वो एक ग्वालियर में डॉक्टर्स है एंड 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 स्क्रैच से उन्होंने भी अपनी लाइफ में स्टार्ट किया था जब स्टार्ट किया था तो पूरा बचपन हमारा uh, वैसे गुजरा है जिसमें वीव सीन आ पेरेंट्स सेक्रीफाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई थिंक वो एक इंस्पायरिंग चीज़ मेरे लिए हमेशा रही है और उसकी वजह से

मेरी मम्मी और हम मेरे को स्कूटर में जाते थे तो स्कूटर में वो मेरे को बीच में बैठा देते थे, थे। <laughs> तो जब वो वो फोर्ट क्या है वो उसका एक स्लोप होता है ऊपर mm -hmm. जाने के लिए वो स्लोप पे वो स्कूटर कभी चढ़ नहीं पाता था mm -hmm. <laughs> तो वी हैड हाँ टू तो गेट डाउन धक्का देना पड़ता था तो वो सब वैसी चीजें हुआ करती थी बचपन में एंड आई स्टिल रेलिश दो मोमेंट्स कि ऐसी सब चीजें आप देखते तो इट मेक्स यू मोर मतलब वो यू यू सीन things in life जो were तो हाँ मतलब शायद life के इस stage में मेरे दो motivation हैं दूसरा हाँ. motivation अभी form हुआ which हाँ. is like social work related like मैंने social work का impact खुद की life में देखा and हाँ. it's it's beautiful and you should dive in whenever you can uh, I, I I I know you do already yeah. but anyway I'm, that's my own experience like, no I get what me. you're saying but uh, but definitely पहला और सबसे बड़ा motivation uh, वही है mom like you know

आई थिंक सो माई माई ड्रीम वॉज कि जब जब मुझे लगेगा कि हाँ यार मैं थोड़ा अभी यहाँ पे कमाने लगाऊँ और uh, एक एक थोड़ा सा आई यूज टू स्टे इन वन रूम किचन इससे पहले और और तो वहाँ पे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकता था uh, तो जब भी मैं थोड़ा सा इससे बड़ा घर ले लूँगा तो मम्मी पापा को यहाँ पे बुला लूँगा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दम कि एक सर्टिन टाइम फ्रेम मतलब टाइम फ्रेम में यहाँ पे आ जाए तो वो बेटर होगा एंड आई हैड डिस्कस दिस बिफोर ओनली बिफोर एंड तो एंड तीन साल पहले दैट है दे शिफ्ट फ्रॉम देयर एंड आई वॉज सो हैपी कि मम्मी पापा के साथ मैं अभी यहाँ पे रहता हूँ एंड एंड एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गज हो गई क्योंकि वो पैंडमिक जब हुआ तो देवावेत मी अदरवाइज मैं पता नहीं क्या कर रहा होता कि मैं ग्वालियर जा रहा होता है या वो यहाँ पर आ रहे होते हैं एंड एंड तो वो दिमाग में यही चलता रहता जब लॉकडाउन हो रहा था ब्रो आप उनकी वजह से इतने ज़्यादा हम्बल हो। आप काफी हम्बल हो। uh, खाना क्यों नहीं खाया और वो सब बातें तो वो एकदम uh, बचपन से आज तक वैसे ही है तो आई फील uh, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार और मैं इसीलिए बोलता हूँ बहुत लक्की हूँ जिनके साथ मैं साथ में रह पाता हूँ और और अपनी चीजें शेयर कर पाता हूँ जो आप कह रहे थे कि बहुत मेहनत होती है मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि आप लोगों के पास पर्सनल लाइफ नहीं होती हो मच नहीं होती मतलब जो एटलीस्ट जो मेन स्ट्रीम स्टार्स होते हैं उनके पास नहीं होती पर्सनल लाइफ और वो सच है कि नहीं होती क्योंकि सब चीज आ, अभी तो ऐसा लगने लगता है कि कई बार ऐसी बातें हो जाती है ना कि अरे यार ये सब दिखावा ही हो रहा है या पर्सनल लाइफ भी ऐसा लगता है कई लोगों को लगता है कि ये दिखावे के लिए बट ऐसा जरूरी hmm. है आफ्टर ऑल सब लोग ह्यूम हैं hmm. और uh, कई बार कई चीज़ें इतनी अभी एक रियलिटी और uh, एक रील वाली जो इमेज uh, है उसके बीच का एक डिफरेंस समझ आना बंद हो गया है सबको इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेन इट बट 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 यार सब सब एंड ऑफ द डे आई थिंक आई टेक इट एज अ प्रोफेशन मैं काम पे जाता हूँ और घर लौटता हूँ और वही अगले दिन करता हूँ नाव नाव अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंडस्ट्री की बात अगर की जाए कि कई बार ऐसा लगता है कि पर्सनल लाइफ आपकी बहुत सामने है तो इंसान पर्सनल लाइफ में करे क्या पर्सनल लाइफ में बाहर घूमने जाता है आदमी या कहीं पे खाना खाने जाएगा या कहीं पे तो so, अभी यू आर ऑलवेज देयर मतलब आपकी कहीं फोटो खींच जाएगी कहीं पे आप मना भी करोगे तो भी खींचेगी सो यू डोंट नो व्हाट टू डू समटाइम्स समटाइम्स यू डोंट नो यू जस्ट समटाइम्स यू गो विद द फ्लो समटाइम्स यू फील कि समटाइम्स यू फील कि यार नहीं चाहिए इसको थोड़ा ऐसे छुपा के रखते हैं कि यार मेरे वो फोटोज नहीं चाहिए लाइफ में तो पर्सनल लाइफ पर्सनल स्पेस नॉट जस्ट विथ अ गर्लफ्रेंड और 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 अ बॉयफ्रेंड इट कैन बी विथ फैमिली आल्सो आई वांट टू हैव अ नाइस टाइम विथ माय फैमिली बट वो कई बार वो कि हाँ ये रेस्टोरेंट के बारे में खिंच गए तो वो mm. होता है नॉट दैट आई डोंट एंजॉय इट समटाइम्स यू रियली एंजॉय इट बट नाउ यू डोंट नो व्हेन यू डोंट वांट इट अब कैसे बोलो <laughs> ये बात mm. तो उसमें बहुत एक आ, बैलेंस लाना इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो हमारी बहुत चीजें बाहर लाते भी हैं जिस तरीके से वो काम करते है दिन रात वो एक्चुअली मेहनत वाला काम है सो नॉट दैट आई एम टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम ऑल्सो बट uh, बट um, जो पर्सनल लाइफ वाला सवाल है वो कई बार डाइल्यूट uh, हो जाती चीजें और वो सेंसिटिव uh, चीजें तो और भी ज्यादा ऐसा लगता है कि यार अभी कई बार ऐसा लगता है ये फोटो नहीं चाहिए मुझे लाइफ में लेकिन अभी ये फोटो किसी ने खींच लिए तो वो ऐसा ठीक है है नाम नाम मत okay? <laughs> नाम मत लीजिए लीजिए ओके बोला फैमिली सब बोला मैंने एक एक हाँ. एक बात बताइए आपने आ, किसी बॉलीवुड एक्टर एक्टर को को डेट किया लाइफ में हाँ, मुश्किल मुश्किल होता होता आपके लिए एक और एक्ट्रेस मेंटेन करना हाँ. okay. बिकॉज़ सेम मुझे लगता है कि, आ,

पता है नैरेटिव क्या है इंटरनेट पे और ये शायद हमारे पॉडकास्ट की वजह से भी फॉर्म हुआ है थोड़ा सा बट मेनली आई फील ओवरऑल मीडिया वर्ल्ड की वजह से फॉर्म हुआ है हाँ. कि बॉलीवुड में चीटिंग बहुत होती है इनफिडेलिटी हाँ, होती है हाँ. सच है ऐसा, ऐसा मीडिया में बहुत हाँ. लेकिन वो अभी वो इतना सच क्या बात है क्या नहीं है वो कैसे पता क्योंकि वही मैं वही बात कर, कर रहा था कि आम, मैं अगर अब, अब फलाना एक्टर किसी के साथ तुम और मैं अभी काम कर रहे हो मैं कहीं कॉफी पे चले जाऊं hmm. वहां पे लेकिन एक लाइन तो लिख दी जाएगी ना कि दे स्पॉटेड देविंग hmm. कॉफी अब उसके मीनिंग पचास बन जाएंगे तुम तो मैं अभी लोगों के साथ जाना घूमना बंद कर दूं या या सिर्फ कहीं ऐसा एरिया ढूंढू बार बार कि जब अब मुझे पसंद है कोई जगह वहां पे या फलाने इंसान को पसंद है कोई जगह और सिर्फ एज फ्रेंड्स कोई मिल रहे हैं ऐसा नहीं गर्ल uh, फॉर और 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 चार लोग अगर आप जा रहे हो वो दो ही लोगों की फोटो डाल देंगे hmm. कई बार ऐसा होता है ना इन सब चीजों की वजह से ऐसा लगता है अच्छा दूसरी बार आप किसी और के साथ फिल्म देख रहे हो <laughs> तो ऐसा लगता है अच्छा यहाँ तो रिलेशनशिप स्टार्ट ही कर दिए दिमाग में नहीं लोग सब अच्छा लगता है तो वो अच्छा भी लगता है लेकिन कई बार वो बहुत भी हो जाता है हाँ, और agree. उसकी वजह से वो ऐसा लगने लगता है ये यहां पे क्या चल रहा है ये तो कल इसके साथ अरे दोस्त भी हो सकते हैं यार सब mm. लोग आपस में इतना सब लोग काम कर रहे हैं mm. जरूरी mm. थोड़ी है कि मतलब कुछ चल ही रहा है सबके बीच में mm. नहीं, so, नहीं, 100%. तो, वो वाला एंगल कोई आई थिंक वो कभी एक्सप्लोर होता नहीं है सब लोग बस यही सोचते हैं कि हाँ रिलेशनशिप ही चल रहा होगा ऑडियंसिस को मसाला चाहिए एंड व्हिच आई गेट इट कि hmm. हां सबको वो बात करने में कई बार अच्छा भी लगता है बट बॉलीवुड एंड क्रिकेट एट द बट दैट बिकम्स द बिगेस्ट रीजन कि कि लोगों को लगता है कि नहीं यहां पे तो ये भी hmm. अभी सच क्या है वो तो कुछ पता ही नहीं होता है आई एम आस्किंग यू दिस एज अ अर्ली 30s मैन एंड नॉट एज एन एक्टर खुश हो आप लाइफ में I am I am happy in okay. in life. I'm 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 आपकी uh, आंखों में मुझे सैडनेस uh, बिल्कुल दिखाई नहीं आई एम नॉट सैड मैं सैड बिल्कुल नहीं हूँ मे बी आई एम नॉट कंटेंट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और और अभी कमाना है लाइफ में मुझे और नाम बनाना है लाइफ में uh, मुझे और प्रूव करते रहना है कि ये भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ आई थिंक दैट इज दैट दैट समाइम्स मुझे लगता है कि कहीं मैं मेरी कोई शॉर्टकमिंग ना हो जाए इन चीज़ों में कहीं मैं कहीं कि, मैं इसमें कहीं मैं ऐसा नहीं हूँ कोई भी मैं कभी कोई रोल करूँ okay. तो मुझे कुछ फॉर एग्जाम्पल कभी hmm. कुछ रोल करूँ या कभी कोई भी चीज़ करूँ लाइफ में कर को मैं कुछ रेस्टोरेंट भी खोलूँ तो वो सबसे ज्यादा चलना चाहिए इट्स इट्स दैट फीलिंग तो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग जो मेरे दिमाग में पूरे टाइम दौड़ती रहती है आपके अकॉर्डिंग आपका वीकनेस क्या है लाइफ में हर किसी का कोई वीकनेस होता है um, जिसकी वजह से यू नो लाइक दैट जो आपकी मिशन है वो शायद पूरी नहीं होगी उस चीज की वजह से जो आप फिक्स करना ट्राई कर रहे हो अभी मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ और आई डोंट नो इफ दैट बिकम्स अ वीकनेस समटाइम्स नॉट इन अ रिलेशनशिप आई एम सेइंग लाइफ लाइफ में प्रोफेशनली आई एम सेइंग कि कई बार कई चीजों पे तो मे बी मे बी दैट बट अब तक आपकी गट फीलिंग ने आपको सही रास्ते बहुत से दिखा रास्ते दिखाए बहुत uh, गट फीलिंग और एंड आई रियली बिलीव इन इट आई थिंक मुझे स्पेशली uh, मेरा पूरा मेरे को लगता है गट फीलिंग पर बना कर एंड एंड uh, uh, क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्या होता है पूरी दुनिया बोल रही होती है ये ये क्यों कर रहा है तो ये वाली फॉर एग्जाम्पल ये फिल्म क्यों कर रहा है uh, लेकिन मेरी गट फीलिंग हो रही थी कि नहीं यार ये फिल्म चलेगी ये फिल्म uh, ये फिल्म मैं भी ऑडियंस हूँ मैं अगर होता एज अ फैन या मैं नॉर्मल कुछ देखने जा रहा होता तो फिल्म तो मैं ये देखने जाता mm. वो फीलिंग तो वो मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गट फीलिंग काफी चीजों में नॉट जस्ट दिस बट मे बी मे बी अंडरस्टैंडिंग एनर्जीज इन अ रूम अंडरस्टैंडिंग सर्टेन पीपल आपने कभी जेलेसी का सामना किया सामना लाइक हैव यू फेल्ट की समवन इज जेलेस ऑफ यू एंड दे ट्राइंग टू पुल यू डाउन या या वो तो आई थिंक आई एम श्योर सब लोग ही करते हैं जो लोग हाँ, जो, लोग सक्सेस मतलब जितना सक्सेस आप देखोगे लेवल पे हाँ जितना आप सक्सेसफुल होते जाओगे उतना आप वो नोटिस करोगे बट यू हैव टू लेट गो ऑफ इट यू हैव टू थिंक बिगर मे बी एक यू हैव टू हैव अ बिगर पिक्चर दैट्स वॉट आई अंडरस्टूड इसलिए मैं गॉड के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ कि मैं जेलिसी का सामना कर रहा हूँ Haan. and i know ki okay no there's a bigger purpose which is why i'm going yeah, to be helping i mean, uh, आई मीन देन यू कैन यू कैन यू कैन आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे रिलाई कर पाते हो सोच पाते हो उनके oh. बारे में कि दिग अ पर्पज इज सो कई ऐसी चीजें आपको छोटी लगने लगती हैं फिर mm. तो विच इज विच इज ग्रेट वॉट एवर मेक्स यू फील गुड अबाउट यू नो एंड 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 नेगेटिविटी को थोड़ा दूर रखते हैं, uh, वो आई थिंक इट्स अ गुड एनर्जी टू हैव तो वो ही मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी चीजों में आई थिंक मेरा बहुत थैंकफुली uh, जितना वकोहोलिक माइंड है वो कई बार इन सब चीजों से मुझे दूर लेके जाता रहता है कि मुझे हर बार ऐसा लगता है मैं कुछ नया करता हूँ फॉर एग्जाम्पल आप मेरे इंस्टाग्राम गेम की बात कर रहे हो मैं हर बार सोचता हूँ कि अच्छा उस पे तक मैं सोचता हूँ कि अच्छा मैं ये कुछ ऐसा करता हूँ जो जो शायद किसी ने नहीं किया सो so, Stuff like that. इस पॉडकास्ट पे एक मंग आए थे जिनका नाम है गौर गोपाल दास प्रभु आप जानते अब तक का सबसे ज्यादा अच्छा अच्छा like खुद के बारे में जी। कि जब आप थोड़े नेगेटिव चीजों के बारे में सोच लगते हो यू गो बैक टू यो ने ये कहा कि ये गीता का सबसे बड़ा लेसन होता है कि अगर आपको ये जानना चाहिए आपकी लाइफ में ना मुश्किलें आएंगी और डिफिकल्ट मोमेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी दर पर आपको हमेशा अपने पर्पज़ के बारे में सोचना चाहिए और डाइव बैक इन और आपने इनडायरेक्टली वो चीज़ कही है हाँ सो आई थिंक वही विच इज़ अ ग्रेट थिंग आई गेस जो आप बात बता रहे हो आई बिलीव इन इटनली कैसा रहा आपका पहला पॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस <laughs> <है स्वीनियन। laughs> जी लवली लवली <laughs> बहुत okay. बहुत मज़ेदार रहा मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है hmm. और uh, मैं इसलिए ये भी पूछता रहा कि ये माइक कितना पास रहेगा यहाँ पे ऊपर ही रहेगा <laughs> वीडियो में तो कुछ <laughs> इंटरफेयर नहीं करेगा ये बहुत अच्छा वे है टू एक्सप्रेस योरसेल्फ आल्सो एंड एंड टू गेट थिंग्स आउट ऑफ पर्सन यू hmm. मुझे बड़ा अच्छा लगा ये करके बहुत ऑनेस्टली आपको कुछ चीजें कहूंगा ठीक है आ, हर पॉडकास्ट के पहले मैं बहुत रिसर्च करता हूँ मेरे गेस्ट के बारे में कि आज किससे बातें हो रही है मैं क्या पूछू वॉट विल डू वेल ऑन दी इंटरनेट और बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग बातें कही मुझे एंड आई गॉट कन्फ्यूज लाइक कि यार मैं क्या पूछू हर कोई कुछ अलग कह रहा है hmm. तो आज लाइक Uh, <laughs> आपसे बालकनी में मैं बात कर रहा था और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपकी एनर्जी भी फील हो रही है. आ, <laughs> आप मजाकिया इंसान हो बट अंदर ही अंदर आप में बैलेंस है बहुत ज्यादा बैलेंस है uh, मतलब जितना आप में वो मजाकिया नेचर है उतना ही आप में वो वॉरियवर वाला नेचर है पर आप वो दिखाते नहीं बिल्कुल uh, क्योंकि ये शायद आपकी ब्रांडिंग है बट आप आपके अंदर डेफिनेटली दो अलग पर्सनैलिटीज है बट right. so right. पर, uh, uh, <laughs> <laughs> आप उस मोटिवेटेड कार्तिक आर्यन को ना छिपा के रख दो hmm. क्योंकि वो मोटिवेटेड कार्तिक आर्यन को उनकी मम्मी के लिए एक बड़ा घर बनाना है एंड आई लव दैट एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मैन इन यू सच में uh, तो ये है मेरा हैवी फीडबैक एंड आई हैव नथिंग टू से इन टर्म्स ऑफ कि आपको ये बदलना चाहिए ये ज़्यादा बेहतर करना चाहिए ऑफन जब मैं बॉलीवुड स्टार से बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये इनमें थोड़ी सी एक शॉर्ट कमिंग है बट नन ऑफ माई बिजनेस बट एज कम्पेयर टू दी अदर गेस्ट है विथ यू एम रियली नॉट एबल टू पुट माई माइंड ऑन एनीथिंग आप कह रहे हो कि आप काम नहीं हो बट आई फील कि आप अच्छे लिसनर हो आप गुड ऑब्जर्वर भी हो आई एम नॉट एबल टू पुट माई

पीपल हु नो कॉमिक टाइमिंग्स थिंग्स अबाउट कॉमिक टाइमिंग्स लाइक द बेस्ट ऑफ कॉमेडियंस बेसिकली उनके अंदर बहुत डीप थाट्स होते हैं uh, ये बोला जाता है इनके बारे में तभी वो इतना ऑब्जर्व कर पाते हैं चीज़ें और तभी वो उनकी टाइमिंग एकदम करेक्ट होती है इन चीज़ों में बिकॉज इट्स प्रिसाइस वो ना ज़्यादा ना कम Mm. वो एकदम लेकिन वो क्योंकि कॉमेडी होती है तो कई बार वो फ्यूल्सली निकलती है हर बार निकलती है बिकॉज यू वॉन्ट एवरी वन टू लाफ एट और डू सिंग सो आई थिंक दैट इज़ वॉट दैट इज हाउ आई एम ऑल्सो नॉट दैट आई डू स्टैंड अप कॉमेडीज और ये वो या वैसी चीज़ें बट मैं फिल्म में बहुत ऐसी कॉमेडीज करता हूँ और आई um, थिंक मेरा जो रियल पर्सोना है वो कई बार शायद से नहीं इतना सीरियसनेस जो अंदर है वो शायद बाहर नहीं दिखती और मैं ना दिखाना भी नहीं चाहता नॉट दैट मैं उसको दिखाना चाहता हूँ ओके नाउ आई एम गोइंग टू बी इवन मोर ऑनेस्ट एंड बहुत सारे लोगों के दिमाग में आपको लेकर गलतफहमी है जब कोई आपसे मिलता है और हाँ। जब कोई आपसे बातें करता है दे गेट टू नो द रियल पर्सन इनसाइड एंड यह लाइक देयर आर देयर आर रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट यू रॉन्ग आई नो ऑफ दैट आई नो अबाउट दैट एंड एंड बट क्या हो गया विद टाइम ना यू टेंड टू रियलाइज कि You can't make everyone happy. Hmm. You try एक अप्रोक्सीमेटो दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन hmm. uh, सबसे अच्छा सीन कर दे कोई परफॉर्म लेकिन बोलेगा कि यार एल परचीनो बहुत अच्छा एक्टर है सबको hmm. पसंद लेकिन कुछ ऐसे दस लोग होंगे जो बोले नहीं पसंद ही नहीं है तो आई थिंक वो वो बहुत इम्पोर्टेंट uh, रियलाइजेशन है आई थिंक लाइफ में जहाँ पे मैं मैं खुद खुश रहना चाहता हूँ uh, कई बार एंड आई वांट टू गेट दैट सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ माय वर्क इंसान कैसा हो वो मुझे पता है मेरे अराउंड जो लोग रहते हैं उनको सबको पता है एंड 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 व्हाट मैटर्स दे आर हैप्पी आई एम हैप्पी एंड आई एम हैप्पी एंड वाइस ए वर्सा बेसिकली

Right, just even you. if we never meet again, if I never see you again, just this one meeting was enough for me to say, okay, that's someone who should go and kill it. Well, thank um, you. But. ये भी कहना चाहूंगा कि प्लीज लौट कर आइए इस शो पे सेबल की बातें करेंगे ट्रिश की बातें करेंगे ट्रिश याद आ गए इतने हैवी डायलॉग्स के बीच में ट्रिश घूम रही थी <laughs> कॉमेडियंस बहुत डीप थिंकर्स होते हैं घर पे वो भी याद आ गए <laughs> जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा वापस मजा आया आपको मजा आया बहुत मजा आया आज रात आपको पता ना आपको क्या करना घर कर जाके पहले गूगल करूंगा <laughs> हमारे तो YouTube वीडियोस देख लीजिए जस्ट सर्च नो फैप बियर बाइस बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे पूरी प्लेलिस्ट बनाई है <laughs> हर आई डोंट नो इफ आई एम साउंडिंग स्टूपिड वैसे, <laughs> वैसे कि मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता मैं क्या रिएक्ट करूं लिटरली <laughs> <laughs> <Literally> नहीं पता <laughs> ये ये ऑथेंटिसिटी की वजह से पीपल लव यू कार्तिक पीपल पीपल यूपल बहुत बहुत सही इंसान हो बहुत मजा आया आई विल नॉट किस यू बट आई विल से थैंक यू थैंक थैंक यू यू फॉर नॉट किसिंग मी रणवीर थैंक यू थैंक यू तो ये था आज का एपिसोड एक्चुअली जब हम ये आउटरो रिकॉर्ड कर रहे अभी आधे घंटे पहले कार्तिक भाई यहां से निकले मुझे ऑनेस्टली लगा कि ये बहुत जेन्युन इंसान थे और दो घंटे की कॉन्वर्सेशन में ना आप एक दूसरे इंसान को बहुत गहरे तरीके से जान लेते हो आई एम श्योर भी आपको उनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें इस एपिसोड के थ्रू पता चली होंगी दैट्स द जॉय ऑफ पॉडकास्टिंग जो फेमस लोग होते ना आप उनके दिमाग के अंदर घुस के उनके बारे में जान सकते हो उसके साथ साथ जो उनके बेस्ट बिट्स हैं आप अपनी खुद की ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो कॉन्टेंट क्रिएशन लाइक दिस मेक्स मी फील कि आई एम ट्रूली ब्लेस्ड यार एंड एक और बात बताइए ये जो थोड़ी सी जोक्स वाली वाइब हम ला रहे हैं आजकल पॉडकास्ट में आपको ये वाली वाइब कैसे लग रही है हमेशा मुझे सीरियस कॉन्वर्जेसन नहीं करनी है मुझे थोड़े जोकिंग वाले पॉडकास्ट भी करने हैं तो प्लीज़ बताइए कि आपको ये अच्छा लगता है या बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बताइए बताइए पर पहले देखते रहिए द रणवीर शो hindi lots of